वजह है आजकल करना नहीं चाहते लोग। अब जैसे हम बैठे हुए हैं, अब गंदा संदा काम लगता है, लोग देख के एतराज़ करे, कुछ करते हैं, तो इस वैसे लोग करते नहीं। न्यू जनरेशन जो है ना, इसमें घुसना ही नहीं चाहती इस काम में। Copper or tamba production stretches back to the Mughal times. Unlike other metals, it requires qalai or retinning. Without it, eating food from these utensils can be poisonous. Qalai natural dhatu hai, zameen pahadon mein se nikalti hai, jaise sona chandi nikalta hai na, aise hi nikalti hai ye wahan se. Iski silliyan banti hain fir. सिल्ली बन के वो मार्केट में आती है, उसके रिंग बनते हैं ऐसे, ये और भी कामों में आती है, इसके खमीरे बनते हैं ताकत के, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, खमीरे बनते हैं ताकत के लिए, इसके पुश्ता है कलई बनता है इसका। तो तेरे पानी तो बगैर कलई के बर्तन में पिया जाता है, लेकिन खाना बनाने में वो जहर का काम करता था। जब तक कलई नहीं करेंगे वो खाना सही नहीं बनेगा। Though there is a danger when it comes to copper, it is a utensil that can last you a lifetime. ये बर्तन जो है जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसे लोग फेंक देते हैं, खराब है खराब है, लेकिन तांबे के बर्तन नहीं फेंकता कोई, वो कलईगर को देता है, कलईगर उस पर कलई करता है और उसे हथौड़ी से ठीक ठाक करके वो फिर नया हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी बाजार से खरीद के लाया, कलई होने के बाद चमकता हुआ होता है उसका इस्तेमाल, तो उसकी लाइफ बहुत है। तांबे का इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो मुगलई दौर में, अब खाना पकाने में जो तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, एक तो उसका जायका दुबाला हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर यूटेंसिल्स जो हैं। जैसे तांबे की देग है, उसमें बिरयानी बनाइए, कौरमा बनाइए या और कोई चावल उबालिए, कुछ भी उबालिए, वो बहुत देर तक गर्म रहता है, क्योंकि जो उसकी हीट एब्जॉर्प्शन पावर है तांबे की या कॉपर की वो बहुत ज्यादा है, देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता। इस पे जो दाग दाग धब्बे होते हैं वो साफ होते हैं। यहाँ टाका लगा होता है, इसके अंदर सुहागा लगा होता है, वो साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो साफ़ नहीं होगा बर्तन जो है ना साफ़ नहीं बनेगा, कलई नहीं होगा, काले निशान रहेंगे उसके ऊपर, काले 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 काले। लोग काफ़ी कम हो गए, वरना हर गली कूचे में कलई घर थे, आज भी कलई घर हैं, और हमारे यहाँ तो ख़ासतौर पर दिल्ली में जो आते हैं, जैसे ही त्यौहार हमारा आता है ईद या रमज़ान से ईद से थोड़ी देर पहले ही गली में से आवाज़ आना शुरू हो जाती है, बर्तन कलई करा लो, ये आवाज़ जो है हमें आज भी कानों में मिलती है। ये काम या तो दिल्ली में होता है या फिर कश्मीर में होता है कलई का। दिल्ली एंड कश्मीर हैव बीन एट द सेंटर ऑफ द कॉपर यूटेंसिल्स ट्रेड, बट स्लोली दैट्स आल्सो फेडिंग अवे। कश्मीर का जो नक्काशी का काम है जिसको चिताई कहते हैं, वो वहाँ बहुत शानदार होता है, रफ काम यहाँ होके जाता है प्लेन, यहाँ से वो बर्तन चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो उसके ऊपर बहुत बारीक नक्काशी करते हैं। वो गिलास रखा हुआ है ना सामने, वो कश्मीर का गिलास है, वो गिलास वो इसकी छिताई अलग है बिल्कुल। वहाँ चिनार के पेड़ हैं तो उसकी छिताई बना उसके वो बनाते हैं डिजाइन इसके ऊपर चिनार का पेड़ का। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ट्रेड, कॉपर यूटेंसिल्स आर टाइड टू ट्रेडिशन। की खासियत यह है कि ये शादी में दिए जाते हैं, शादी के अंदर गिफ्ट में दिए जाते हैं, ये 65 बर्तन हैं, ये शादी में जाएंगे, इनकी मदर को मिलेंगे, अब वो अपनी बड़ी बेटी को दे रही हैं। मुस्लिम फैमिलीज में ये उसका एक असासा होता है, असासा उसको क्या कहा जाए, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो स्त्री धन है। जब स्त्री धन है तो ये बर्तन जो हैं हमारे यहाँ 51 बर्तन, 101 बर्तन, 201 बर्तन, 31 बर्तन तांबे के दिए जाते रहे हैं। इनकी आज भी वैल्यू है,
ये अगर उस ज़माने में 60-65 बर्तन 20-25-21,000 रुपए के 10,000 रुपए के खरीदे होंगे तो आज भी 30-40,000 रुपए के बिक जाएंगे आराम से। There aren't as many kalaigas these days, but the sale of copper utensils continue. People believe copper can treat arthritis and inflamed joints. The copper sellers say people are returning to this traditional practice. मैंने देखा है बर्तनों की दुकानों पर मुसलमान भी और नॉन मुस्लिम भी, वो ज्यादातर लोग जो है पानी पीने के लिए जग खरीद रहे हैं और कोरा जग, उसमें प्लेटिंग नहीं कराते हैं। वो पानी उस तांबे के बर्तन में पानी पीना तो सेहत के लिए इतना अच्छा माना जा रहा है कि उसके अंदर के टॉक्सिक खत्म हो जाते हैं, उसका पॉइजन खत्म हो जाता है, पेट ठीक रहता है, हेल्थ के लिए वो बहुत मुफीद माना जा रहा है, इसलिए लोगों में उसका वो बढ़ रहा है। जो लोग इस्तेमाल करते थे वो करते थे, जिनको मालूमात नहीं थी वो बिल्कुल भी नहीं थे इसमें इंटरेस्ट थे, लेकिन ये दोबारा जब से पता चलना शुरू हुआ है कि इसके क्या फायदे हैं तो फिर से आ रही है। बट इफ कलाइगर्स आरंट एबल टू पास देयर क्राफ्ट, दे वोंट बी एबल टू मीट द फाइनल डिमांड। हाथ से बनते हैं और मजदूर को मजदूरी तो हमेशा कम ही दी जाती रही है, कभी भी ज़्यादा नहीं दी गई। अब जब उनको उनका पेट ही नहीं भरेगा तो उनके पास काम छोड़ने के अलावा दूसरा चारा नहीं। आगे की जनरेशन आती जा रही है वो ऑटोमेटिकली इससे हटती जा रही है, इस वजह से कि इसमें मार्जिन नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा है और लागत ज़रूरत से ज़्यादा है। ये आज मशीन चल गई ना तो मशीन की वजह से हाथ का काम लोग कम पसंद करते हैं। हमारे घर के यार लोग जो बच्चे पढ़ जाते हैं ना, पढ़ने के बाद फिर इस काम को पसंद नहीं करते कि हाथ पर गंदे हो जाते हैं, वो होता है दूसरी जगह की मेहनत बहुत होती है इस काम में। जो पहले के करने वाले हैं वो ही कर रहे हैं। अगर उसको आप मजदूरी ठीक देते रहिए तो ये काम चलता रहेगा। अब कलाई हाथ से करते हैं, गर्म करते हैं, संसी से पकड़ते हैं कलाई, फिर उसे रगड़ते हैं, मांझते हैं, तो ये मैनुअल काम है और मेहनत का काम है। जब आदमी पढ़ लिख जाता है ज़्यादा तो इस काम में जाता नहीं, पढ़ लिखा भी चला जाएगा जब आप उसे ज़्यादा पैसे देंगे।